नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कर्नाटक के गुलबर्गा में कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति में हुई पार्टी की विभागीय बैठक। ब्रह्म कुमारीज द्वारा भी कार्यक्रमों का आयोजन। जयपुर में पुलिस अधिकारियों को ब्रह्म कुमारियों ने सिखाया तनाव मुक्त रहने की कला। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग का आयोजन। यूपी के हाथरस में शांति एवं सौहार्द का माहौल बनाए रखने के लिए जिला अधिकारी ने सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। ब्रह्म कुमारी संस्था की बीके बहने भी हुई शामिल। और बुलेटिन में होंगी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी कई खबरें। कर्नाटक के गुलबर्गा में भारतीय जनता पार्टी की विभागीय मीटिंग के दौरान ब्रह्म कुमारी संस्था को दया और करुणा विषय पर कार्यक्रम करने का मौका मिला। कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी ने इस दौरान कहा कि दया और करुणा के बिना कोई धर्म नहीं होता और वास्तव में आज पूरी दुनिया को दया और करुणा की जरूरत है। मैं ब्रह्म कुमारी संस्था का साधुवाद करूंगा जो वो इस विषय पर अभियान चला रहे हैं। कार्यक्रम में गुलबर्गा सब जोन प्रभारी बीके विजया ने संस्था द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत की जा रही सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय अभियान के तहत ब्रह्म कुमारी संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा जयपुर में पुलिस अधिकारियों को तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एडिशनल डीएसपी आलोक सिंघल, एसीपी नरेंद्र दायमा समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के राजा पार्क सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सोडाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेह मुख्य वक्ता रहे। बीके स्नेह ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि आप शरीर को चुस्त रखने के लिए शुद्ध अन्न और व्यायाम तो करते ही हैं, बस मन को दुरुस्त रखने के लिए सुबह आधा घंटा राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने की आदत डाल लें तो आपका जीवन तनाव मुक्त और खुशनुमा बन जाएगा। ब्रह्म कुमारी संस्था में हमें ये सिखाया जाता है कि हमें स्वयं को बदलना है। मैं बदलूंगी तो मेरा घर बदलेगा, मेरे बदलने से घर के बदलने से परिवार के बदलने से समाज बदलेगा, समाज के बदलने से विश्व। कार्यक्रम में आगे आलोक सिंघल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य से बढ़कर और कुछ नहीं, अगर स्वस्थ रहेंगे तभी देश की सेवा कर पाएंगे। आप स्वस्थ रहोगे तो आप नौकरी भी अच्छी कर पाओगे, अपने परिवार को बच्चों को समय दे पाओगे और उनका भविष्य सुधार पाओगे। आप भी बीमार हो जाओगे तो सुधार पाओगे क्या? नहीं सुधार पाओगे। तो तनाव कुछ नहीं है, तनाव अपन की सोच है। जब अपन किसी चीज को गंभीरता से बार बार सोचने लग जाते हैं तो तनाव हो जाता है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में राज्यक शिक्षिका बीके पूजा ने कमेंट्री द्वारा राज्यक मेडिटेशन का अभ्यास कराया, जिसमें सभी अधिकारियों ने बहुत दिलचस्पी ली। यूपी के हाथरस में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी रमेश रंजन द्वारा सभी धर्मों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें पुलिस अधीक्षक, अपर जिला अधिकारी, ब्रह्म कुमारी संस्था से स्थानीय सेवा केंद्र के बीके बहनों समेत कई धर्मों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी धर्मों के प्रतिनिधियों से अपने देश के प्रति दायित्वों को निभाने के लिए शपथ ग्रहण कराई और पूरे जनपद में शांति और सौहार्द का माहौल बनाए रखने के लिए जरूरी सुझाव भी मांगे। बैठक में बीके सुमन ने कहा कि हम सब कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, इस कहावत को अब प्रैक्टिकल में चरितार्थ करने का वक्त आ गया है। उड़ीसा के कांदापाड़ा स्थित स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था में 100 दिनों तक प्रतिदिन योग कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसका आगाज संस्था के निदेशक डॉक्टर पीपी मोहंती, उप निदेशक डॉक्टर किशोर चंद्र महापात्रा, कटक सेवा केंद्र की राज्य शिक्षिका बीके देव स्मिता, श्री श्री विश्वविद्यालय के योग शिक्षक श्री जितेंद्र कु परिदा समेत 500 छात्रों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में शुभारंभ के पश्चात योग गुरु श्री जितेंद्र कु परिदा ने सभी को महत्वपूर्ण योगासन करवाए और बीके देव स्मिता ने सभी को राजयोग मेडिटेशन से मिलने वाले लाभ बताए। 100 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई पद्धतियों के योग गुरु छात्रों को योग सिखाएंगे। सीआरपीएफ के जवानों के लिए दिल्ली के बवाना सेवा केंद्र पर स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया,
जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आए सीआरपीएफ बटालियन 236 के कमांडेंट वीके चौधरी ने सभा में मौजूद लोगों से कहा कि हम भारतवासी अंग्रेजों की गुलामी से तो स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम विकारों के गुलाम बने हुए हैं और ब्रह्म कुमारी संस्था हमें इस गुलामी से आजाद होने की राह दिखा रहा है। कार्यक्रम में नेपाल के बुटवल सेवा केंद्र के प्रभारी बीके कमला, दिल्ली रोहिणी सेवा केंद्र के बीके रजनी, बवाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका, बीके फूलचंद समेत सीआरपीएफ के कई जवान मौजूद रहे। बीके कमला ने इस दौरान कहा कि यदि हम सब स्वयं को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाएंगे तो राष्ट्र स्वतः ही सशक्त बन जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश भर में चलाए जा रहे अभियानों के तहत आयोजित हुए कार्यक्रम की खबरें। महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित बीके पाठशाला साइबर में मधुबन द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आओ स्वर्ग बनाए विषय पर एक दिवसीय योग तपस्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमें पता है कि जब हम स्वर्णिम युग में जाएंगे तो आज सारी आत्माएं और सारी प्रकृति सतो प्रधान होने वाली है और आज की परिस्थिति जो देखा जाए तो सभी तमो प्रधानता है, तो इस तमो प्रधानता को सतो प्रधान में परिवर्तित करने के लिए अब सबने संगठित होकर मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ इस वमान में स्थित होते हुए सारे विश्व की आत्माओं को और विश्व के पांचों तत्वों को शांति की, सुख की, प्यार की, पवित्रता की सकाश दी। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन की मंशा को लेकर आयोजित किए गए इस तपस्या कार्यक्रम को सभी लोगों ने बहुत ही पसंद किया और उपयोगी भी बताया। संस्कार परिवर्तन करते करते समय हम संसार का भी परिवर्तन कर सकते हैं, ये हमने जाना। युवा प्रभाग और अहमदाबाद के महादेव नगर सेवा केंद्र द्वारा निर्माण की गई पावर ऑफ पीस प्रदर्शनी वैन द्वारा अहमदाबाद, गांधीनगर और खोरज के कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें नवा रोड सेवा केंद्र प्रभारी बी के सुलोचना, वहीलाल सेवा केंद्र की प्रभारी बी के आरती, साधना भवन सेवा केंद्र प्रभारी बी के कीमती, खोरज सेवा केंद्र प्रभारी बी के हेमना, युवा प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बी के विवेक ने लोगों को सरकार और ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी दी और तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त, विकार मुक्त बनने के लिए राज्योग मेडिटेशन करने की सलाह दी। संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग और पणजी सेवा केंद्र द्वारा आमोना में सड़क सुरक्षा जागरूकता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन हुआ, जिसमें आरटीओ के असिस्टेंट डायरेक्टर राजेश नाइक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन करने का आह्वान किया। यह रैली गोवा के प्रभारी बी के शोभा, कोणक सेवा केंद्र प्रभारी बी के सुरेखा के मार्गदर्शन में निकाली गई। भारत की प्राचीन मल्ल विद्या को बढ़ावा देने के लिए यूपी के हाथरस में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसके शुभारंभ अवसर पर आनंदपुरी सेवा केंद्र के प्रभारी बी के शांता को भी आमंत्रित किया गया। बी के शांता ने कार्यक्रम में युवा पहलवानों को प्रोत्साहित करते हुए राज्योग मेडिटेशन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जैसे मल्ल विद्या भारत की प्राचीन विद्या है, ठीक वैसे ही मन को पावरफुल बनाने की प्राचीनतम विद्या राज्योग मेडिटेशन है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अहमदनगर और जिंतूर, छत्तीसगढ़ के बालोद, राजस्थान के टोंक और बारी, मध्य प्रदेश के छतरपुर, ग्वालियर और रीवा, हिमाचल प्रदेश के रिवालसर और ऊना, वहीं यूपी के टुंडला में भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेते हुए इजाजत, नमस्कार, ओम शांति।